रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 6, खून का बदला। सफ़ा नंबर 32 से हम पढ़ाई कर चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 33 से। ये देखिए, एक रात सीपनहुल ने अपने बाप को ख्वाब में देखा कि वो कह रहा है, बेटी मेरी रूह तुझसे बहुत खुश है, अब मुझे कोई मलाल नहीं कि मेरा कोई बेटा नहीं है, तूने बेटों से बढ़कर मेरे कातिल की तलाश की है, लेकिन अब तू इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दे और अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत कर। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ को वावन में लिखा गया है। देखिए, यहाँ पे वाउल लगाए गए हैं, बेटी, बेटी के बाद हरफ निदा इस्तेमाल किया गया है, यानी मुखातिब किया गया है। अल्फाज मायने देखिए, मलाल गम, गम के नीचे हम लाइन लगा देंगे, मलाल के नीचे, कातिल कत्ल करने वाला, दस्तक दरवाज़ा खटखटाना। थोड़ी देर के बाद फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, अब माँ भी जाग पड़ी थी, यानी उठ गई थी, आँख खुल गई थी। माँ बेटी दोनों ने उठकर दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खुलते ही एक ज़ख्मी नौजवान धड़म से अंदर आ गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। धड़म से ज़ोरदार आवाज़ के साथ, इसके नीचे लाइन लगा देंगे, वो कुछ देर तो उसे देखती रही, फिर माँ ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, पानी के कतरे, यानी पानी से मुंह धोया। दोनों ने उसे एक पलंग पर लुटाया, सीपनहुल ने जल्दी से पानी गर्म करके इसके ज़ख्म धोए, यानी ज़ख्म साफ़ किए। कुछ देर बाद उसे होश आ गया, उसकी माँ ने नौजवान को गरम गरम दूध पिलाया और उसे वो दिन याद आ गया जब मुराद खान को इसी तरह ज़ख्मी हालत में लाया गया था। उसने नौजवान को बताया कि आज से 2 साल पहले मेरे शोहर को भी किसी बदबख्त ने गोली मार दी थी, लेकिन इसका ज़ख्म मुखलक था, बदबख्त बुरी किस्मत वाला। क्या मतलब है इसका? बुरी किस्मत वाला, मुखलक हलाक करने वाला, इसलिए वो मर गया। तुम नौजवान हो और ज़ख्म भी गहरा नहीं है, बस ज़रा सी कमज़ोरी है, कमज़ोरी नकाहत, वो रफ़ा हो जाएगी, रफ़ा दूर ख़त्म। नौजवान ने पूछा, तुम्हारे शोहर का नाम क्या था? उसने कहा, मुराद खान। यहाँ पे
इस जुमले को वैन में लिखा गया है और सवालिया निशान लगाया गया है, यानी सवाल पूछा गया है। प्यारे बच्चों, आज की हमारी पढ़ाई यहाँ तक है, यहाँ पे निशान लगाइए। आपने अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। अल्फाज मायने देखिए, मलाल दुख रंज, दस्तक दरवाज़ा खटखटाना, धड़म से ज़ोरदार आवाज़ के साथ, बदबख्त बुरी किस्मत वाला, मुखलक हलाक करने वाला, रफा होना दूर होना ख़त्म होना। प्यारे बच्चों, हम सवालात 1 से 3 तक पढ़ चुके हैं, आज हम सवाल नंबर 4 पढ़ेंगे। देखिए सवाल नंबर 4, माँ बेटी ने नौजवान को होश में लाने के लिए क्या किया? माँ ने नौजवान के मुंह पर पानी के छींटे मारे, दोनों ने उसे पलंग पर लटाया, सीपन खुल ने जल्दी से पानी गर्म करके उसके जख्म धोए। अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 3, सफ़ा नंबर 36 से। देखिए, दर्ज सेल अल्फाज के मुतजाद अल्फाज लिखिए। अल्फाज मुतजाद, गाफिल होशियार, बदबख्त, नेक कमी ज़्यादती, रहम जुलम, नदामत खुशी। प्यारे बच्चों, डायरी नोट करें, पढ़ाई करें। अल्फाज मायने, सवाल नंबर 4 और अल्फाज मुतज़ाद याद करें और लिखें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।